नमस्कार, मैं प्रभाकर। आप देख रहे हैं एचजीएन न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बता दें, भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन पुष्पा देवी बिंद्रा प्रसाद इंटर कॉलेज सेवाडी विशाल किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें अनेक पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजू गुप्ता व जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार की अगुवाई में किसानों की समस्याएं सुनी गई और श्री राजू गुप्ता ने किसानों को भरोसा दिलाया कि 2 महीने के अंदर आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे और यहां भरावन क्षेत्र में कई गौशाला बनवाए जाएंगे। मौजूद रहे पदाधिकारी चंद्रशेखर गुप्ता, सचिव राजेश अवस्थी जी व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुधीर कुमार के साथ अंकित वर्मा, राजवी दिनेश कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज चैनल। सच्ची और सही खबरें सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए अपने क्षेत्र का बढ़ता हुआ चैनल एचजीएन न्यूज, ग्रामीणों की आवाज। और आपसे मैं कहता हूँ, आप लोगों से कतई इस बात की चिंता मत करिए कि कम लोग हैं। 20 लोग रहिए, भीड़ बढ़ाना, किसानों को इकट्ठा करना, किसानों को जागरूक करना, ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी। मेरी एक गुजारिश आपसे, हमारे बीच में सब लोगों का नाम हमारे लोगों ने ले लिया, मंच पे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमसे वरिष्ठ लोग हैं, नाजर स्वस्थी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, गुप्ता जी बैठे, चंद्रशेखर जी जो है, ये चाहे हमारे पिता मान लो, चाहे हमारे भाई मान लो। साथियों, 6 महीने समय है, केवल 6 महीने, जनवरी तक आप लोग, कुछ लोग साथ दीजिए, सब लोग साथ दो, चाहे ना दो, बाकी लोग आ जाएंगे। ये आवारा पशु हम भरावन क्षेत्र से खत्म करा देंगे। हमारे पास कोई फंड नहीं है, न हम सरकार में मंत्री हैं, न हमारी सरकार में चलती है, लेकिन भरावन क्षेत्र में गौशालाएं बनेंगी। आप अगर चाहेंगे कि आवारा पशु यहां से चले जाए या गौशालों में जाए, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे। हमारे पास वोट का अधिकार नहीं है, हमें आपने चुन के भेजा नहीं है, हमारे पास आपकी ताकत है। अगर आप ताकत लगाएंगे, मेरा डेरा यहाँ पड़े गया, यही हमारे आएंगे, कैसे चला जाता है, कैसे। अभी कल की हम आपको बात बता दें, थोड़े दिन पहले हम लोग घेरते थे तो अधिकारी से हमारे लोग कहा करते थे कि हमारा कोई मांग पत्र लेने आ जाए, हमारी समस्याओं का कोई उच्च अधिकारी हमारे बीच में हमारी बात का पत्र। आंदोलन हमने ट्रायल अब शुरू कर दिया है, इसमें एक सुधार लाए। यही लोग, आप ही लोग समाजवादी पार्टी की मीटिंग में जाते हो, आप ही लोगों में से बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में जाते हो, उस समय आप 8 बजे कैसे चले जाते हो, 10 बजे वहां पहन जाते हो, पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की मीटिंग में जाते आप ही लोग हो, सब लोग फेस चाहे बदल बदल जाते हो, किसी न किसी तरीका से जाते आप ही सब लोग, बाहर से कोई लोग नहीं जाता। और आप 10 बजे वहां पहुंच जाते हो, 11 बजे तक आप हर हालत में पहुंच जाते हो, जहां आपको केवल बहुत कुछ मिल सकता है तो पूरी मिल सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। के लिए आपके पास समय है भी तो एहसान के तरीके से, तो जैसे दादा राजेश अवस्थी आपसे कहेंगे, इनसे तुम्हारा रोज काम पड़ता होगा, तो इनके कहे से आप लोग चले जाओगे, अपने मन से नहीं जाते।